इतने दिनों बाद ढंग से खाना खाया है, अब जाके मन और पेट दोनों भरा है। अरे यार, टावल नहीं है, हाथ पूछने के लिए कुछ चाहिए। सूरी, पता नहीं था कि आप आने वाले हैं, वरना रख देती। हाथ कैसे पूछूं? पता नहीं, पहले की तरह पल्लू तो नहीं दे सकती ना। वैसे एक और बात कहनी थी आपसे, अगली बार जब आप यहाँ आएंगे ना, तो जूतों के साथ साथ झूठ भी घर के बाहर छोड़ के आइएगा। मैं नहीं जानती कि आप यहाँ क्यों आए हैं, पर थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो रहा है। अनुपमा, मुझे तोशु से कुछ बात करनी है। बेटी हो तो अनुपमा जैसी, उसकी जिंदगी का सबसे गहरा रिश्ता टूट गया, लेकिन रिश्तों पर का विश्वास नहीं टूटा। तभी तो वनराज और तोशु को बात करने के लिए अकेला छोड़कर चली। शशा ने आज तक मम्मी के लिए तो कुछ भी नहीं किया, आज इस छोप अपने बेटे के लिए कुछ कर ले। तोशु, मैं जानता हूं कि वो राखी दवे एक बहुत ही जिद्दी और नकचड़ी औरत है। वो पहले से ही तुम दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थी, इसलिए मौका देखते ही उस तोशु, उस औरत को कैसे हैंडल करना है ये तुम मुझ पर छोड़ दो। ट्रस्ट मी, किंजल को तुमसे कोई अलग नहीं कर पाएगा। ट्रस्ट यू पापा? ट्रस्ट उस इंसान पे करूं जो इंसान मुझे खुद ही छोड़ के चला गया? मैं आपको सच बताऊं पापा, इस बार गलती राखी आंटी की नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, अगर उस दिन वहां पर आपकी जगह प्रमोद अंकल किसी के साथ, पापा आप और भाभी वैसे ही रिएक्ट करते जैसे राखी आंटी ने किया? हाँ, लैंग्वेज थोड़ी बेटर होती, पर तमाशा वही होता और उसका नतीजा भी वही होता। पापा, मेरी लाइफ की ट्रेजेडी तो देखिए, गलती कोई भी करे, झगड़ा कोई भी करे, अफेयर कोई भी करे पापा, लेकिन सजा मुझे और किंजल को तोशु। बस पापा, आप यही तो करते आए हैं, चिल्लाकर अपने सामने वाले को चुप करा देते। आपको सच नहीं सुनना है? फाइन, लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट पापा। आपने कहा आप यहां पर मेरे लिए बात करने आए हैं, राइट? आप जाके राखी आंटी से बात करेंगे ना? ओके पापा, आप मुझे बताइए ना प्लीज, आप राखी आंटी से जाके क्या बात करेंगे? आप क्या मुंह लेकर जाएंगे उनके सामने? इनफैक्ट पापा, आपने आज तक किया क्या है जो आप अब करेंगे? जो कुछ भी किया है मम्मी ने किया, मेरा और किंजल का रिश्ता जुड़ा है तो मम्मी की वजह से जुड़ा है। मम्मी आपकी तरह पढ़ी लिखी नहीं है पापा, लेकिन वो बात को समझाना और करना जानती हैं, और आप सिर्फ बात को बिगाड़ना जानते हैं। पहले भी आपने यही किया है, एंड आई एम श्योर पापा आप अब भी यही करेंगे। मुझे पापा आपसे कोई उम्मीद नहीं है, जो कुछ भी करना है मुझे और किंजल को ही करना पड़ेगा। तोशु, थैंक्स फॉर द पेप टॉक पापा। चुपके हमारी बातें सुन रही थी। तोशु को गुस्से में जाते हुए देखा तो सोचा आपसे आके बात कर लूं। क्या बात हुई, वो ऐसे गुस्से में क्यों गया? उसे लगता है कि हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना है उसे और किंजल को खुद करना होगा। उसने ऐसा कहा? सच कहूं तो मुझे तोशु को देख के डर लगने लगा। अगर उसकी किंजल से शादी नहीं हुई तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है। तुम उससे बात करके देखो, समझाओ उसे कि कहीं गुस्से और जोश में आके कोई गलती ना कर दे।
हेलो, वनराज को फोन दो। आपके लिए फोन है। हेलो। अगर तुम्हें उस घर में जाने का इतना ही शौक है तो फिर तुम वो घर छोड़कर आए क्यों थे भी? जरा सा मौका मिलता नहीं है कि तुम भागे चले जाते हो वहां पर। मैं यहाँ तोशु के लिए आया था, उसे फिर से पैनिक अटैक हुआ है, उसे देखने आया था। अब जा रहा हूँ। अब तुम ये बताओ कि मैं वहां वापस आऊं या किसी होटल में चेक इन कर लूं। ये तेरा घर, ये मेरा घर, हमारी चाहतों का घर। ना, 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 ना। मुझे मेरा जवाब मिल गया, मैं होटल में चेक इन कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। यस, मैं शर्ट जीत गया। लो ये, आई डोंट नो कि तुम जीते हो या नहीं। ऑल आई नो इज कि मैं हार गई, लेकिन मैं सब कुछ हार सकती हूं, वनराज को नहीं हार सकती। अनिरुद्ध, तुम ये घर, पैसा, सब कुछ ले लो, लेकिन प्लीज मुझे और वनराज को अकेला छोड़ दो। हम दोनों के बीच में मत आओ अनिरुद्ध, प्लीज। लाइफ इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव काव्या। जहां पे तुम खड़ी हो वहां पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुम दोनों के रिश्ते के बीच में आया हूं, लेकिन जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से मुझे ऐसा दिख रहा है कि वनराज हमारे रिश्ते के बीच में आया है। और मैं हमारे रिश्ते को किसी की भी नजर नहीं लगने दूंगा। आज ये शर्ट जीता हूं, एक दिन तुम्हें भी जीत के रहूंगा। इस वक्त तो उससे बात करके कोई फायदा नहीं, वो कुछ भी सुनने समझने की हालत में है ही नहीं। समर नंदिनी है, उस पर नजर रखेगी। मैं बाद में बात करूंगी। तोशु भाई बहुत अपसेट लग रहा है। भाई के अंदर इस वक्त गुस्सा भी और दर्द भी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यहाँ पर भाई दुखी है, वहां पर किंजल रो रही है, और बेचारी मम्मी वो तो रो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर माँ कमजोर पड़ जाए तो बच्चे को कौन संभालेगा। I've always hurt. You're right. Love always hurts. Can share it with me. मम्मी कहती है कि अगर प्यार जख्म देता है तो दोस्ती मरहम का काम करती है। मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्ती में दोस्त मैटर करता और कुछ भी नहीं। So, समर, समर मुझे किंजल से मिलना है अभी। अब पापा मम्मी के बस की कुछ नहीं है समर, मुझे किंजल से बात करनी बहुत जरूरी। भाई रिलैक्स रिलैक्स, मम्मी और मिस्टर शाह जाएंगे ना राखी आंटी से बात करने। नहीं समर, तू नहीं समझ रहा है, अब पापा के बस की कुछ नहीं है, और मैं मम्मी की इंसल्ट और नहीं करवा सकता। मुझे किंजल से मिलना है अभी और इसी वक्त। लेकिन राखी आंटी किंजल को इस वक्त बाहर नहीं आने देंगी तोशु भाई। आई नो, इसलिए तो मैं तुम दोनों की हेल्प सीख कर रहा हूँ। तुम दोनों मेरी हेल्प करोगे या नहीं? भाई अब समझने की कोशिश करो, अगर राखी आंटी को पता चला तो पुलिस में कंप्लेंट कर देगी, खामखम बात बढ़ जाएगी। आप रिलैक्स करो, हम कुछ और सोचते हैं ना। नहीं समर, अब मुझे कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं सोचना। तुम दोनों अगर मेरी हेल्प कर सकते हो तो ठीक है, वरना मैं खुद कुछ ना कुछ कर लूंगा। भाई, भाई, सुनो। समर प्लीज, तुम तोशु भाई के साथ जाना, ऐसी हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करना। प्यार करने वालों की किस्मत में खुशी क्यों नहीं लिखी होती? क्या कर रही हो वो?
तोसो और किंजल के नाम के धागे बांध रही हूँ बा। मेरी माँ कहती है कि जब सच्चे मन से दो लोगों के नाम का धागा बांधो ना तो उनकी तकदीरें भी साथ जुड़ जाती है। यूं वो सूखी तीखी मिर्ची के साथ तेरे नसीब बांध रही है। काश मैंने वनराज और तेरे नाम के ऐसे ही धागे बांधे होते। जिनके मन नहीं जुड़े होते ना बा उनकी तकदीरें भी नहीं जुड़ती। तो सूर किंजल के मन जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये करना तो बनता है। मकर तुमने वहां कहा सुबह सुबह किसका फोन है? हेलो, मेरी बेटी कहाँ है? हम शोर आप लोगों के घर पे होगी क्या? हमारे घर पे? नाटक करना बंद करो और मुझे बता मेरी बेटी कहाँ है। सरवंत से बता कि कल रात से वो घर पर नहीं आएगी। हम शोर वो तोशो के साथ ही होगी और तुम्हारे घर पर होगी, नहीं तो तुम लोगों ने कहीं और उसे छुपाया होगा। कहाँ छुपाया है? रात से राखी बहन एक मिनट मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। कहाँ है मेरी किंजल? बताओ मुझे कहाँ छुपा के रखा है उसे? हम उसे क्यों छुपाएंगे? आपको गलत फहमी हुई है राखी बहन, एक मिनट मुझे तोसो को पूछने दीजिए। अगर मेरी बेटी नहीं मिली ना तुम सब के सब जेल में दिखाई दोगे अनुपमा। थोड़ा समय तो दीजिए राखी बहन, एक मिनट। तोसो वो घर में होगा तो आएगा ना, बेटी को लेकर कहीं भाग गया होगा। अरे राखी बहन एक मिनट बात तो करने दीजिए ना, एक मिनट। तो सो अब जो भी बात करना है ना पुलिस के सामने करना। आ रही हूँ मैं पुलिस को लेकर। राखी बहन सुनिए तो सो सवार। क्या हुआ? सवार क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? क्यों चला रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? वो राखी बहन का फोन आया था, वो कह रही थी कि रात से किंजल घर पे नहीं है। बोलो, उन्हें लगता है कि वो तोसो के साथ। वो नागिन पागल हो गई? अरे उसकी बेटी उसके घर पे नहीं है तो अपनी बेटी को फोन लगाए या पुलिस स्टेशन जाए, यहाँ क्यों फोन कर रही है? बेचारी किंजल कहाँ गई होगी? तोसु को बुला के लेके आने समर। जा जल्दी से समर, जाने तोसु को बुला के लेके आने। तोसु कमरे में ही है। कहाँ है तोसु? समर समर तोसु कहाँ है? बोलने समर, समर बोले। मम्मी कल रात भाई किंजल से मिले थे, मैंने नंदिनी ने बहुत समझाया उन्हें लेकिन वो नहीं समझे। उसके बाद मैं उन्हें किंजल से मिलाने लेकर गया। मम्मी वो किंजल से मिलते उन्होंने मुझे कहा कि घर जा और सुबह तक किसी को कुछ मत बताना। अभी वो कहाँ है मुझे नहीं पता है। फोन लगा तो सुखो, तो सुखो फोन लगा। मेरे भाई का फोन ऑफ आ रहा है। किंजल को किंजल को फोन लगा। किंजल का भी फोन ऑफ है। ऐसे भी बाप की जरूरत पड़ी गई। हाँ बेटा, कल रात से तोशु भाई और किंजल मिसिंग है। What? अगर आप आ सकते हैं तो प्लीज जल्दी घर आ जाइए। तोशु और किंजल? Oh God!
वनराज अभी तक क्यों नहीं आया? फोन किया था ना? हाँ बस समर ने फोन कर दिया था उनको। क्या हमारा तोशु ना कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकता है? नक्की वो किंजल ने उसे भड़काया होगा। बात जब तक पूरी बात पता नहीं चल जाए किसी को क्यों दोष देना, आप शांत रहिए ना। मम्मी 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 हर जगह ढूंढ लिया लेकिन भाई और किंजल कहीं नहीं मिले। कोचिंग सेंटर भी देख लिया लेकिन वो दोनों वहां भी नहीं। बट किंजल के फ्रेंड्स को भी कुछ नहीं पता। कहाँ क्या होगा ये? कहाँ क्या होगा? तोशु का कुछ पता चला? मैं कब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं पता चला। तोशु मिसिंग है, तुम्हें कब पता चला? वो राखी बहन का अभी फोन आया था ना थोड़ी देर पहले, तब। मतलब राखी बहन का अगर फोन नहीं आता तो तुम्हें ये पता नहीं चलता कि तुम्हारा बेटा गायब है? तुम्हारा बेटा कल रात से गायब है और तुम चद्दर तान के सो रही थी। आप तोशु के लिए परेशान हो रहे इसलिए नाराज है ना? आपको जितना सुनाना बाद में सुना लीजिएगा, लेकिन अभी तोशु को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। राखी बहन की चिंता, उनकी नाराजगी भी ठीक है, उनकी बेटी का है। मेरे ख्याल से हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। पुलिस? अब हमारे घर में पुलिस आएगी? ठीक कह रही है, पुलिस को रिपोर्ट लिखाते हैं, वो लोग जल्दी ढूंढेंगे। तो अभी जाओ और थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाओ। जी बापूजी। भगवान, ये तो सच में पुलिस लेकर आई? मुझे तो लगा था कि सिर्फ धमकी दे रही है। मेरी बेटी कहाँ है? जवाब दो। आपकी बेटी और मेरा बेटा दोनों लापता है। हम दोनों दुखी हैं, पर दुख में भी मुझे याद है कि ऐसे चिल्लाने से, तमाशा करने से बच्चे वापस नहीं मिल जाएंगे। Oh, shut up! You shut up! वहाँ? कोई इस परिवार पे, इस फैमिली पे भरोसा करे तो कैसे करे? समझ ही नहीं आता कौन किसके साथ और किसको छोड़ चुका है। अपनी बीवी को छोड़कर उस बाहर वाली के पास गए थे ना? और अब अपनी बीवी की तरफदारी कर रहे हैं? आप लोगों को तमाशे से इतना डर क्यों लगता है? आपकी फैमिली तो अपने आप में तमाशा है। ऐसे शोर मचाने से, किसी की इज्जत उछालने से क्या आपकी बेटी वापस मिल जाएगी राखी बहन? इज्जत हमारी उछली है, बेटी मेरी गायब हुई है। इंस्पेक्टर साहब, इस फैमिली ने मेरी बेटी को फंसाया है। पहले इन्होंने अपने बेटे को अपनी औकात से बड़ी इंस्टीट्यूट में भेजा ताकि वो अपना फ्यूचर बना सके। एग्जैक्टली। अपना फ्यूचर बनाने के लिए ही उसने मेरी बेटी को फंसाया। आप सब ने मिलकर उसे मेरे अगेंस्ट अपने घर बुलाकर भड़काया और अब मेरी बच्ची कल रात से गायब है। आप
सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।